नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बींज बायला में मंशा अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का हुआ आयोजन। पदमपुर उपखंड के बींज बायला में मंशा अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग व जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश अनुसार इस नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का पुलिस थाना घमूड़ वाली द्वारा बींज बायला गांव में आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए राजकीय नशा मुक्ति परामर्श एवं उपचार केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविकांत गोयल ने कहा कि जिस अभिभावक के नौजवान नशे में लिप्त हैं, उन अभिभावकों को बेबसी को समाज के लोग समझे और उनकी सहायता के लिए आगे आए। साथ ही कहा कि किसी योग्य चिकित्सक की सलाह व घर वालों के सक्रिय सहयोग से नशा छोड़ा जा सकता है। वहीं कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत सरपंच साधु राम ने कहा कि नशा बेचने वाले खुद नशा नहीं करते, क्योंकि वे नशे के नुकसान जानते हैं। अवैध रूप से नशा बेचने वालों का विरोध समाज को करना चाहिए, साथ ही नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए आम आदमी को मंशा अभियान को जन अभियान बनाना होगा। बता दें, कार्यक्रम में वार्ड पंच कमला सिमरन साजिद खान, वरिष्ठ पत्रकार शीशपाल तेहरपुरिया, बंटी गजरा, डॉक्टर ओम गेदर सहित अनेकों ग्रामीण मौजूद रहे। मंशा कई कार्यक्रम पूरे बीकानेर संभाग के 4 जिलों में चल रहा है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़, इन 4 जिलों में राजस्थान में सबसे पहले मंशा का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है हमारे संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्देश पर, और हमारी सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदया आदरणीय रुक्मणी रियार सिहाग और जिला पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री आनंद शर्मा जी के निर्देशन में नशा मुक्ति निरंतर जिले भर में इस समय संचालित किए जा रहे हैं मंशा के कार्यक्रम के अंतर्गत। और ये मंशा के कार्यक्रम का दूसरा चरण है जो 23 मार्च से शुरू हुआ था और 4 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा निरंतर। आप सभी महसूस कर रहे होंगे पूरे जिले में जैसे हम सब लोगों का जाना होता है, तो हम निरंतर देख रहे हैं कि पहले गांवों में या शहरों में जो लोग नशा करते थे वो कहीं न कहीं ज्यादा दिक्कत आने पर पुलिस प्रशासन के नशा मुक्ति केंद्र की सहायता से, यानी कि धूम्रपान या स्मोकिंग करते हैं या जो लोग गर्दा गुटखा फैनी खाते हैं यानी कि तंबाकू खाते हैं, इन लोगों में क्या होता है, इनका मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, हमारी जो भोजन तरीका है इसका कैंसर, लीवर, गुर्दे, सभी अंगों के कैंसर इन लोगों में बहुत जल्दी होते हैं, तेजी से होते हैं। और किसी आदमी को यदि कैंसर हो जाए तो क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है। कहने का क्या अभिप्राय है कि किसी भी तरह का नशा लेने से किसी आदमी को कैंसर हो सकता है और उसकी जल्दी मृत्यु भी हो सकती है। इन दिनों में आप लोग अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं कि यार इस रोड पर एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, इस रोड पर एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए। तो ज्यादातर एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं क्यों होती है, नशे के कारण। क्यों? क्योंकि जब कुछ ड्राइवर लोग नशा पीकर गाड़ी चलाते हैं तो उनके दिमाग में शून्यपन पैदा होता है, उनको दिशाकारी पता लगता, एक्सीडेंट करते हैं और बहुत से लोग मौके पर मर जाते हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।